एक व्यक्ति जो प्रेशर में परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता वो कभी हीरा नहीं बन सकता और ना वो हीरा है। हीरे की पहचान कैसे होती है? आप उसे उसमें जितना मर्जी प्रेशर मारो वो कभी टूटता नहीं। और जर्जर की पहचान कैसे होती है? नर की। आप उसमें प्रेशर मारो वो टूट जाते हैं। और परमेश्वर लोगों को बड़ी चीजें देने से पहले हमेशा आपको प्रेशराइज करता है कि आप हीरे हैं या जर्जर हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर के लोगों को बाइबल में देखेंगे ना, वो कभी स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकते, वो हमेशा डिसाइपल के साथ काम करते हैं। आमीन। अगर एलीशा एक स्टाफ होता तो हमेशा एलिय्याह को छोड़ के चला जाता, लेकिन वो स्टाफ नहीं था, वो काम करने वाला नहीं था, वो एक डिसाइपल, एक चेला था जो उसने पीछे हो लिया था परमेश्वर की मर्जी के कारण। जो हीरा होता है वो प्रेशर जानने पर कभी टूटता नहीं। आप पता है आपको, वो जो काटने कांच को काटने वाली चीजें होती है, कांच को, उसमें हीरा लगा होता है, क्योंकि हीरा कभी टूटता नहीं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हीरा तैयार होने में टाइम लगता है, जर्जन तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मेरे आत्मिक पिता एक बात बोलते हैं कि रॉयल गाड़ी तैयार होने में 6 महीने लगते हैं और टोयोटा तैयार होने में 13 घंटे लगते हैं। अगर परमेश्वर के बड़े काम आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में देखना तो उसे तैयार करने का मौका दो अपने आप को। आमीन। परमेश्वर को टाइम दोगे आपको तैयार कर सके। बड़ी सेवकाई देने से पहले, बड़े काम देने से पहले, बड़े चीजें देने से पहले परमेश्वर आपको हमेशा चेक करता है कि आप नकली वाला कि आप सचमुच का ही रहे। एलिय्याह ने कहा था एलीशा से, अपने असिस्टेंट को भी नहीं बताया कि आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि एलिय्याह का स्वभाव कैसा था? अपने क्लोजेस्ट पर्सन को भी नहीं बताया कि आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन एलीशा जानता कि अगर मैंने अभिषेक लेना है तो मुझे बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को मारना पड़ेगा और परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रेशर बढ़ रहा है, वो टाइम होता है जब परमेश्वर आपको शिफ्ट कर रहे होते हैं आपके अगले अभिषेक, आपके अगले अनॉइंटिंग में। वो टाइम होता है जब परमेश्वर आपको शिफ्ट कर रहे होते हैं आपकी अगली ताकत में, जब जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। अगर नोकिया कंपनी गलत मोबाइल को लॉन्च नहीं करती क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, एप्पल कंपनी गलत मोबाइल को लॉन्च नहीं करती जिसमें इफेक्ट है, जिसमें डिफेक्ट है, अगर वो लॉन्च नहीं करती तो परमेश्वर ऐसे लोगों को लॉन्च कैसे कर देगा जो लोग अभी जर्जर नहीं, हीरा नहीं। देखने में जर्जर और हीरा हमें एक बराबर लग रहे थे। इवन तक हम भी ये कह रहे थे कि नहीं ये डायमंड रिंग है, कोई कह रहा था नहीं ये जर्जर है, कोई बोल रहा नहीं ये डायमंड, हमें भी लग रहा था डायमंड है, लेकिन जब प्रेशर मारा गया तो वो टूट गया। देखने में ये भी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है, ये भी पास्टर है, ये भी पास्टर है, लेकिन प्रेशर बताता है कौन पास्टर है, ऊपर से और कौन नीचे से, कौन विश्वासी ऊपर से और कौन नीचे से। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आपका विवेक आपको दोषी नहीं पाना चाहिए, दुनिया आपको दोषी कहे नो प्रॉब्लम, पर वो गलत ना कहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यभिचारी हैं तो फिर दुनिया दोषी कहेगी तो वो दोष गलत है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सेवक को सुनाम होना चाहिए, लेकिन आप पे पर्सनल जिम्मेवारी है अपने विवेक को निर्बल ना रखने की और अपने विवेक को मजबूत करने की। और बाइबल में लिखा है पाप परमेश्वर के सामने हमारे निर्बल विवेक को निर्बल कमजोर कर, और हम जानते हैं कि हम बड़ी चीजें परमेश्वर से मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रही क्योंकि हम तैयार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की उंगली में हीरा फिट होने से पहले उसे चेक किया जाता है, आपको बड़ी आशीष देने से पहले आपको चेक किया जाता है। परमेश्वर का काम नहीं था दाऊद को धक्के खिलवाना या दाऊद को दुखी करना या दाऊद को दर दर के धक्के खिलवा खिलवा के उसको ऐसा कर देना। परमेश्वर चेक कर रहे थे कि ये जर्जर है या ये हीरा है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते हम दुखी हो, लेकिन बाइबल में लिखा है जिसको वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े में लगाता। प्रॉब्लम हथौड़ी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम क्या है। वो थोड़ी जर्जर को तोड़ सकती है लेकिन हीरे को कभी नहीं तोड़ सकती। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप एक हीरे हैं यीशु मसीह के नाम में। बात थोड़ी की नहीं है, बात प्रेशर की नहीं है,
बात आपकी जिंदगी की मुसीबत की नहीं है, बात ये नहीं कि आपको क्या चाहिए, क्या अड़ा हुआ है, क्या रुका हुआ है, कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है, बात ये है कि आपका संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ, आप उस चीज को लेते किन आंखों से है। प्रॉब्लम ये है मसीह में आने के बाद जो प्रेशर आपके लाइफ में आते हैं, साल बाद 6 महीने बाद उसका एक टाइम होता है, सीजन होता है, एक रीजन होता है, वो प्रेशर अगर आप सहले अपनी लाइफ में, जब आप देखेंगे अगले दिन अगले महीने को आप एक नए लेवल पे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप एक नई ब्लेसिंग होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान सूंघने की ताकत रखता है, वो अंधा नहीं है, वो चालाक है, उसे पता है आपकी जिंदगी में आशीष आ रही है, उसे पता परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं, उसे पता है ये बरकत इसकी जिंदगी में आ रही है, उसे पता है ये 8 साल से प्रेयर कर रहा है नहीं हुआ, अब इसकी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ना शुरू हो, समुद्र की गहराई तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप ऊपर आने वाले यीशु मसीह के नाम में हैं।